डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी नो अबाउट डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लड कलेक्शन का क्या क्या मेथड है, हम किस मेथड से ब्लड कलेक्शन करते हैं। यह लेक्चर हेमेटोलॉजी से रिलेटेड है और यह लेक्चर जो है आपको एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। थ्योरिकल पैटर्न है और प्रैक्टिकल में भी आपको बताएंगे। ये थ्योरिकल पैटर्न में 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपसे शॉर्ट नोट्स में 10 मार्क के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 और 10 में आप इस नोट्स को बना सकते हैं, एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, आपको मार्क्स पूरे आएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए ताकि आपसे एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन, यानी कि ब्लड कलेक्शन के क्या क्या मेथड हैं। तो चलिए जानते हैं ब्लड कलेक्शन के मेथड। ड्यूरिंग क्लिनिकल टेस्ट वी रिक्वायर्ड अ स्पेसिमन लाइक ब्लड, स्पूटम, यूरिन, स्टूल एंड कैविटी फ्लूड ईटीसी। मतलब कि जब हम किसी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो हमें क्लिनिकल टेस्ट में ब्लड, स्पूटम और यूरिन सैंपल चाहिए, स्टूल सैंपल चाहिए और कैविटी फ्लूड इत्यादि हमें जो है सैंपल चाहिए। फिर यहाँ सेकेंड पॉइंट है कि ड्यूरिंग हेमेटोलॉजिकल टेस्ट वी रिक्वायर्ड मेनली ब्लड सैंपल। जिस समय हम कोई भी हेमेटोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट करते हैं तो उसमें जो है मेनली हमें ब्लड सैंपल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अमाउंट ऑफ ब्लड सैंपल इज डिपेंड अपॉन इन नेचर एंड कंडीशन ऑफ टेस्ट। इसका मतलब यह है कि हमको उतना ही अमाउंट ब्लड का चाहिए जैसा कि उस टेस्ट के रिक्वायर्ड हमें अमाउंट ज़रूरी हो। सो दैट अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्टेड बाई डिफरेंट मेथड्स लाइक एज कैपिलरी कलेक्शन एंड वेनस कलेक्शन। देख लीजिए, ये मेन पॉइंट जो है आपको कैपिलरी कलेक्शन एंड वेनस कलेक्शन मेन है। सो दैट अमाउंट ऑफ सैंपल कलेक्टेड बाई डिफरेंट मेथड लाइक एज कैपिलरी कलेक्शन मेथड एंड वेनस कलेक्शन मेथड। टू टाइप्स कलेक्शन मेथड हैं हेमेटोलॉजी में जो हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, इसी टू टाइप्स पर हम डीपली चर्चा करेंगे। तो आप इसका नोट्स भी बनाते जाइए, आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं इस नोट्स को, कन्फ्यूजन में ना रहें। और यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, आपका हम डाउट क्लियर करेंगे। इसी तरह की हेमेटोलॉजिकल लेक्चर भी हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो चलिए आगे जानते हैं। वेनस कलेक्शन समटाइम्स वी कलेक्ट आर्टेरियल ब्लड फ्रॉम सम स्पेशल टेस्ट। यानी कि इन रेयर केस जिस समय हम स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उस समय आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन भी करते हैं। मानव शरीर में जो ब्लड प्रवाहित होती है तो वो आर्टेरियल ब्लड होती है और एक वेनस ब्लड होती है। तो इस स्पेशल टेस्ट में किसी किसी में आर्टेरियल ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, देन आफ्टर ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर इज नीडेड इनटू टू मेथड। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि कैपिलरी एंड वेनस कलेक्शन मेथड इम्पोर्टेंट है, इस पर हम डीपली चर्चा करेंगे। तो पहले बात करेंगे हम कैपिलरी कलेक्शन की। तो इसमें जो है कैपिलरी कलेक्शन में हमें रिक्वायर्डमेंट जो है आपको बता दें कि हमको रिक्वायरमेंट यानी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कैपिलरी कलेक्शन में। तो पहली है लैंसेट, दूसरी है प्रिकिंग नीडल और तीसरी है स्प्रिटेड कॉटन। तो इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो कैपिलरी कलेक्शन देख सकते हैं आप इमेज से भी जान सकते हैं, लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर से हम कैपिलरी मेथड से ब्लड को सक करते हैं कैपिलरी कलेक्शन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर की बात करेंगे कि यानी किस तरह हमको कैपिलरी ब्लड कलेक्शन लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टरलाइज रिंग फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड बाय यूजिंग एस्पिरेटेड कॉटन। यानी कि पहले हमको स्टरलाइज करना होगा रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड के जो रिंग फिंगर होते हैं उसको जो हमको स्टरलाइज करना होगा एस्पिरेटेड कॉटन से। यानी कि कॉटन बर्ड एक लेंगे, उसमें स्पिरिट लगा के उस रिंग फिंगर को हम स्टरलाइज करेंगे। उसके बाद आफ्टर वी प्रीक स्टरलाइज साइट बाय यूजिंग लैंसेट, देन आफ्टर वी कलेक्ट ब्लड सैंपल एज आवर डिजायर और नीड्स। इसका मतलब कि हम जिस साइट को स्टरलाइज किए हैं कॉटन बर्ड से रिंग फिंगर को लैंसेट से प्रिक करेंगे और उसके फर्स्ट ड्रॉप को साफ करेंगे। उसके बाद ब्लड सैंपल हमको जितनी ज़रूरत होगी
टेस्ट के अनुसार डिज़ायर और नीड्स उस ज़रूरत के हिसाब से हम ब्लड कलेक्शन लेंगे। तो अब बात करेंगे कि कैपिलरी कलेक्शन जो है किस किस चीज़ में यूज होती है। तो कैपिलरी कलेक्शन यूज इन, आप देख सकते हैं यहाँ कि टीसी में होती है, यानी कि टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, और टीसीटी यानी क्लॉटिंग टाइम, टाइम ऑफ क्लॉटिंग। उसके बाद है हीमोग्लोबिन एस्टीमेशन और एबीओ ग्रुपिंग और आरएस टाइपिंग भी कैपिलरी कलेक्शन से ही करेंगे, और टोटल इसिनोफिल काउंट भी, टोटल प्लेटलेट काउंट भी, क्रॉस मैच भी कैपिलरी कलेक्शन से करते हैं। बात करेंगे सेकेंड मेथड की, तो वो है वेनस कलेक्शन। और इसमें जो है इसका रिक्वायरमेंट जो है हमें देख सकते हैं, टर्निकेट चाहिए हमें, स्प्लिटेड कॉटन चाहिए, सिरिंज चाहिए और वायल चाहिए। वायल में आप एज ए टेस्ट के अनुसार जो है हमको जिस टेस्ट का ज़रूरी है उस टेस्ट के अनुसार हम, यदि उस टेस्ट में प्लेन वायल लगती है उसका यूज करेंगे, EDTA का यूज करेंगे, सोडियम फ्लोराइड का यूज करेंगे, इत्यादि वायल आती है। वायल के भी बारे में बताएंगे तो इस लेक्चर के बाद वायल पे भी आएगा वीडियो। तो देख सकते हैं वेनस से जो है किस तरह कलेक्शन लिया जाता है। बात करेंगे कि वेनस ब्लड कलेक्शन की प्रोसीजर की, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टाई द ट्यूनिकेट जस्ट एबव एल्बो जॉइंट ऑफ 4 इंच डिस्टेंस ऑन दी आर्म। तो हम जो टर्निकेट बांधेंगे ये एल्बो जॉइंट, ये जो टाई है इससे 4 इंच ऊपर, यानी कि आप 4 उंगली देके नाप सकते हैं या 4 इंच ऊपर एबव बांधना है इस टर्निकेट को एल्बो जॉइंट से ऊपर, ताकि वेन प्रोमिनेंट हमें दिख सके, हम ब्लड कलेक्शन ले सके। देन आफ्टर वी ऑब्जर्व प्रोमिनेंट वेन, इफ वेन इज नॉट प्रोमिनेंट देन वी से टू पेशेंट टू एंड फ्रॉम योर हैंड। उसके बाद हम वेन को फिल करेंगे, प्रोमिनेंट वेन यानी कि जो वेन अच्छी तरीके से हमें दिख रहा हो हैंड पे, पेशेंट के हैंड पे। इफ वेन नॉट प्रोमिनेंट यानी कि हमको वेन यदि सही तरीके से नहीं दिख रहा है तो हम पेशेंट को अपना हाथ मुट्ठी बंद करके मुड़ने के लिए कहेंगे, टर्निकेट बांधे हुए में भी। इससे क्या होगा कि पेशेंट का वेन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, दिखेगा। देन वेन इज प्रोमिनेंट, नाउ वी स्टरलाइज प्रोमिनेंट वेन बाय यूजिंग एस्पिरेटेड कॉटन। उसके बाद यदि वेन हमें प्रोमिनेंट दिख जाता है, जो वेन दिखेगी साफ साफ, तो उस पर जो हम एस्पिरेटेड कॉटन अप्लाई करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। नाउ वी टेक स्टरलाइज सिरिंज इनटू दी प्रोमिनेंट वेन स्मार्टली। उसके बाद हम स्टरलाइज सिरिंज लेंगे, उसके बाद उसको जो है हम इंसर्ट करेंगे वेन में, प्रोमिनेंट वेन में स्मार्टली तरीके से, यानी अच्छे तरीके से वेन में सिरिंज चले जाए। देन वी ऑब्जर्व ब्लड ड्रॉप एट एंड ऑफ नीडल। जब वेन में अच्छे तरीके से नीडिल चल जाती है तो नीडिल में अच्छे तरीके से सिरिंज में ब्लड शो हो जाती है, ब्लड की कुछ ड्रॉप की। तो नाउ वी कलेक्ट ब्लड सैंपल एज आवर नीड्स। उसके बाद हमें जितनी ज़रूरत है 1 ml, 2 ml, 3 ml अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वेन से ब्लड कलेक्ट कर लेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर भी कीजिएगा, और इसका नोट्स ज़रूर बनाते जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। आप इसका नोट्स बना के रख सकते हैं, एग्ज़ाम में लिखेंगे अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। व्हेन ब्लड कलेक्शन इज फुल फिल्ड देन वी अनटाई दी ट्यूनिकेट। जिस समय हमारा ब्लड कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ट्यूनिकेट खोलेंगे। वी पुट एस्पिरेटेड कॉटन एट इंसर्टिंग साइट ऑफ नीडिल। जहाँ पे हमने सिरिंज डाला था वेन में उस जगह हम अपना कॉटन बड डालेंगे, उस साइट पे कॉटन रख के एंड इंसर्ट आउट नीडिल फ्रॉम वेन। उसके बाद वेन से नीडिल निकाल लेंगे और हाथ को मोड़ने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। अब बात करेंगे कि वेनस ब्लड कलेक्शन यूज किस चीज़ में होती है। तो यूज्ड इन EDTA वायल में बात करेंगे, तो एबीओ ग्रुपिंग में, हीमोग्लोबिन परसेंटेज में, सीबीसी में, सीबीसी का मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल प्लेटलेट काउंट, टोटल एसनोफिल काउंट में यूज होता है वेनस ब्लड कलेक्शन। उसके बाद
पीसीबी डिटरमिनेशन में भी यूज होता है, ईएसआर डिटरमिनेशन में भी यूज होता है। सोडियम फ्लोराइड की भाइल में जो है हम ब्लड ग्लूकोज डिटरमिनेशन करते हैं, तो ब्लड ग्लूकोज एस्टीमेशन पे भी वीडियो आएगी, उस लेक्चर पे ही बताएंगे। तो जैसा कि इस ऑब्जेक्टिव को भी याद कर लीजिए, काहे कि एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि सोडियम फ्लोराइड भाइल में स्पेशल किस टेस्ट का एस्टीमेशन करते हैं, यानी किस टेस्ट का सैंपल लेते हैं। तो ये अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी देता है ऑब्जेक्टिव में, सोडियम फ्लोराइड भाइल का जो उपयोग किस टेस्ट में करते हैं, तो ब्लड ग्लूकोज डिटरमिनेशन या एस्टीमेशन में करते हैं। सिर्फ सोडियम फ्लोराइड भाइल का इसी में काम आता है, तो ये याद रखेंगे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है। बात करेंगे प्लेन भाइल की, प्लेन भाइल की, तो प्लेन भाइल जितने भी, यहाँ याद कर लीजिए, प्लेन भाइल का यूज अक्सर इसी में सारे स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं कि प्लेन भाइल भाई क्या होता है, यानी जितने भी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो प्लेन भाइल में परफॉर्म करते हैं, ताकि उनमें किसी प्रकार की रिएक्शन ना हो, उससे सीरम और प्लाज्मा से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट में, और सेरोलॉजिकल टेस्ट भी आपको बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसे अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए। इसी तरह की हेमेटोलॉजी से रिलेटेड इस पे फुल लेक्चर्स मैं डालूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद।